सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पहला टॉपिक आता है, वो आता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस मतलब जितने भी टोटल आउटकम्स आ रहे हैं उसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस। उस सैंपल स्पेस में से मेरे को एक पर्टिकुलर कोई भी टास्क करना है, मतलब कोई भी, जैसे हमने इवेंट्स का करा था, ऐसे कोई भी इवेंट करना है, तो उस इवेंट को मैं रिपीट कर सकती हूँ एन नंबर ऑफ टाइम्स। मान लो फर्स्ट टाइम हुआ तो उस इवेंट को मैं कंसिडर करूंगी एक्स, वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल एक बार ही हुआ, फिर दो बार ही हुआ, फिर तीन बार ही हुआ, फिर चार बार ही हुआ, तो उसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग बार। तो रैंडम वेरिएबल, मैं ना थोड़ी सी डेफिनेशंस भी लिखूंगी सो दैट आपको चीजें क्लियर। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, राइट। रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स विच असाइन्स अ यूनिक रियल नंबर। एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकते हैं। टू ईच डब्ल्यू, और वो जो डब्ल्यू है वो बिलोंग करना चाहिए एस एस को। ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब होता है विच बिलोंग्स टू। मैथ्स में ना हम कुछ सिंबल्स यूज कर लेते हैं और उन सिंबल्स के मीनिंग होते हैं। ये सिंबल ऐसे बन रहा है, आपको सी बनाना है और उसके बीच में आपने एक लाइन डाल, ठीक है, विच बिलोंग्स टू एस, सो दैट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। कई बार पेपर में छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आ जाती है, पता होनी चाहिए, आप अपने आप ही बना सकते, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरा कॉइन्स का केस है। मैंने दो कॉइन्स टॉस किए, तो मेरे पास सबसे पहले एस बनेगा। एस क्या है? मेरा सैंपल स्पेस। तो हम ले लेते हैं सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, अब इस एस में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूं आपके पास चार केसेस कैसे बनेंगे। एक बार टॉस हुआ तो हेड और टेल, दूसरी बार टॉस हुआ तो इस हेड के साथ में हेड आ सकता है, इस हेड के साथ में टेल आ सकता है, ऐसे ही इस टेल के साथ में हेड आ सकता है और टेल के साथ में टेल आ सकता है। हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये चार सैंपल स्पेस, ठीक है। अब मैंने निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट एक्स, एक्स बताएगा मेरा नंबर ऑफ
हेड्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक्स अगर मेरा नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है तो वो वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू मेरी एक तो जीरो हो सकती है, कोई भी हेड नहीं है, ये वाला केस, ये वाला केस। एक्स की वैल्यू वन भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू टू भी हो सकती है, और हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो तीन केसेस मेरे पास है, ठीक है। तो ऐसा जब मेरे पास सिचुएशन आती है तो मैं क्या करती हूँ, आई विल ऑलवेज ड्रॉ अ टेबल। एक टेबल ड्रॉ करी जाती है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू लिखी जाती है और नीचे लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तब क्या प्रोबेबिलिटी है? एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो क्या है? 1/4। एक वैल्यू आ रही है, एक केस ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 4। जब एक्स की वैल्यू 1 है मतलब एक हेड आ रहा है, ये भी वो केस है और ये भी वो केस है। सो दैट विल बी 2/4, मतलब 1/2 हो जाएगा। मैं अभी कैलकुलेशन पे नहीं जा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कैसे करना चीज। जब दो हेड्स आ रहे हैं वो एक ही केस है, दो हेड्स वाला, दैट इज अगेन 1/4। ये मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। अब इस एक्स को जब मैंने 0, 1 और 2 लिया, इसका मतलब मैं ले इसको कह सकती हूं एक्स की वैल्यू एटलीस्ट 1 लेके हम लेते हैं, या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जो मैक्सिमम जाएगी, या लेस देन इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है। कोई भी आप तरीके से बना सकते हो, बट फाइनल जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इस टेबल की फॉर्म, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताओ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन एंड वेरिएंस की। मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इन रैंडम वेरिएबल्स का मीन और वेरिएंस की बात, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की। सो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, कि ऐसे बनाना है और ऐसे यू लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड म्यू, ठीक है। और ये होता है समेशन ऑफ एक्स आई टी आई। वॉट इज दिस समेशन? मतलब आई इज इक्वल टू 1 to n। एक्स की कितनी वैल्यूज हैं? एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एक्स को, मतलब एक्स की फर्स्ट वैल्यू x1 भी हो सकती है, x2 भी हो सकती है। ये क्या है? ये फर्स्ट वैल्यू है ना, x1, x2, x3, x3, x4 एंड सो ऑन। हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि वो x4 ही बता रही हूं तो इसलिए मैंने उसको x1, x2, x3, x4, ठीक है। अब यहां पे पी आई क्या है? बेसिकली पी आई रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी प्रोबेबिलिटी। एट x1, x2, x3 एंड
सो इधर तक किसी को कोई डाउट तो बताओ। ये तो मेरी बात हो गई मीन। दूसरी चीज आती है वेरिएंस। सेकंड चीज क्या आती है? वेरिएंस। तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं, वेरिएंस को निकालने के लिए हम सिंबल लेते हैं सिग्मा। ये ऐसे बन रहा है, सिक्स होता है ना, उल्टा सिक्स। नाइन भी बना सकते हो, नाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखते हो, सिक्स बोलो या नाइन ऐसे, ठीक है। सो वेरिएंस, इसका स्क्वायर, ये हम वेरिएंस को डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा, मतलब सबमिशन, हमेशा एक्स आई पी आई, जो मैंने मीन निकाला था, लेकिन इसके अंदर एक्स आई का स्क्वायर हो रहा है, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या बताता है? वेरिएंस। वेरिएंस के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत अच्छा वर्ड है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि मीन से जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितनी दूर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डेफिनेशन होती है, इट इज ऑलवेज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। सो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा, और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। देख रहे हो वेरिएंस क्या था? सिग्मा स्क्वायर था, तो उसका अगर मैंने रूट ले लिया वो मेरी क्या बना देगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। अभी हमने एक हेड वाला केस लिया था, अब हम टेल, नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस ऑफ कॉइन। एक कॉइन के दो टॉस करने हैं और उसका मुझे मीन और वेरिएंस निकालना है। चलो जी साथ साथ करेंगे बेटा। किसी को कोई डाउट है? तो सबसे पहले हम अपना सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो एस क्या होगा मेरा? दो टॉस है, मतलब वही हेड 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 टेल, ये तो अब तक आपको याद होना हो जाना चाहिए था, टेल हेड और टेल्ड। ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स इन द सैंपल स्पेस। एन एस का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स इन द सैंपल स्पेस, विच इज फोर। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई, तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी हम प्रोबेबिलिटी की नई बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टेल्स चाहिए, तो मेरे को एक रैंडम वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट एक्स इज इक्वल टू
नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, या इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, या इन टू टॉसेस, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ टेल्स हैं. इन टू टॉसेस भी लिखोगे दैट इज ऑल्सो ओके. यहां तक भी अगर आप लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है. अब दो टॉस में कितनी टेल्स हो सकते हैं, हेड वाले केस की तरह ही. सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या क्या हो सकती हैं, या तो कोई भी टेल नहीं है, या वन टेल है, या टू टेल. मैक्सिमम टू हो सकती है, दो टॉस है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज जीरो, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, ठीक है. सो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड ओनली, तो दिस विल बी वन बाय, जहां पे टेल नहीं आ रहा, इन चार में से एक ऐसा यही केस है. दूसरा, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल व्हेन एक टेल आ रहा है. अब ये देखो एक टेल कब कब आ रहा है, इस केस में भी एक टेल है और इस केस में भी, ये वाला केस और ये वाला केस, यानी कि दो केसेस आ रहे हैं मेरे पास. सो इट विल बी ईदर एच टी और इट इज टी एच. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4, दो केसेस आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस 4, विच विल बी 1/2. अब प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज टू, टू का मतलब क्या है कि आपके पास दोनों बारी टेल आ रही, गेटिंग टू टेल्स. सो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब केस आ रहा है टी टी का, सो दैट विल बी 1/4, ठीक है. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं. हेंस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई पी आई, ठीक है. तो यहां पे मेरे पास ये बॉक्स थोड़ा अच्छे से बनाना, 0, 1 और 2. जब मेरे पास 0 केस है 1/4, जब मेरे पास 1 केस है 1/2, जब मेरे पास 2 केस है, ठीक है. अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. सो देयरफॉर मीन की बात करते हैं, मीन का मतलब म्यू इज इक्वल टू सिग्मा, खाली सिग्मा भी लिख सकते हैं, एक्स आई पी आई, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है एक्स आई और पी आई का, 0 × 1/4, 0 × 1/4, और सिग्मा का मतलब होता है सम, 1 × 1/2,
प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वन पर इस पूरे का सम निकाल। ठीक है, अब जीरो मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर इज जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू इज वन बाय टू, प्लस टू से ही कैंसिल हो गया, ये भी वन बाय टू। आधा आधा कितना होता है? एक होता है, तो मीन क्या आ गया? वन। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएंस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम वेरिएंस की। कोई ऐसा बच्चा है इधर तक जिसको कोई डाउट हो? एनीवन? तो आई एम कंसिडरिंग किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो सो नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस का मतलब मैंने आपको बताया था सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला था समेशन ऑफ, यानी कि सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर, जो मीन था। ठीक है, सो एक्स आई का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर। सो जीरो का स्क्वायर इज जीरो ओनली, मल्टीप्लाई बाय पी आई वन बाय फोर, प्लस वन का स्क्वायर इज अगेन वन ओनली, मल्टीप्लाई बाय पी आई इज वन बाय टू, प्लस ये क्या है, टू, टू का स्क्वायर इंटू वन बाय फोर। टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, आप थोड़े बड़े हो चुके हो तो आप ये चीजें डायरेक्ट लिखना सीखो। माइनस म्यू का स्क्वायर, म्यू वन आया था इसका स्क्वायर। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू इज वन बाय टू, और फोर ये सब कैंसिल हो गया, प्लस वन हो गया, माइनस वन हो गया, वन का स्क्वायर इज दिस, ये भी सॉरी, हाँ ये भी कैंसिल, सो योर आंसर विल बी वन बाय टू। तो आपका वेरिएंस क्या आ गया? वन बाय टू। अब तीसरी चीज थी मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन। सारे बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं बेटा? साथ साथ लिखोगे ना, मैथ्स लिख के समझ में आती है, वर्बली मैथ्स समझ में नहीं आती, वर्बली मैथ्स नहीं समझ में आते, लिख के आते, तो लिखोगे तभी समझ में आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? वो था रूट ऑफ द वेरिएंस विच इज रूट ऑफ वन बाय टू। वन का रूट वन होता है, तो वन ओवर, इसको और रूट कभी भी नीचे नहीं आता है, तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर लो, सो आंसर आ जाएगा रूट टू ओवर टू, और रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 ओवर टू। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.707, दिस विल बी योर आंसर। किसी को कोई भी कैसा भी डाउट है तुम्हें? बोलो बेटा, अगर नहीं डाउट है तो ये भी बोल सकते हो कि मैम आगे है समझ, आगे करो। भाई मेरे से कोई दुश्मनी है तुम्हारी? फिर मेरे को ऐसा लगेगा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। हाँ पीयूष,
एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे और मेरे को आंसर बताओगे। अभी तक आपने नंबर ऑफ हेड्स का देख लिया कि जब दो कॉइन टॉस करते हैं, नंबर ऑफ टेल्स देख लिया जब दो कॉइन टॉस होते हैं। अब एक काम करते हैं, आपको मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स ले लेते हैं व्हेन तीन कॉइन करें, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड। सेम वही स्टेप्स सारे फॉलो करने हैं, तीनों चीजें निकाल के मुझे आंसर निकाल के बताओगे। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, वर्बली भी बोल सकते हो।
मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया करने के लिए, ओके कर रहे हो? ये क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। ओके यू एम पी कैन यू क्या हुआ पीयूष, कहाँ से जो कुछ पूछना है तो माइक ऑन करो, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ। मैं साथ साथ कर रही हूँ, कोई भी स्क्रीन पे जब तक नहीं देखेगा, डू इट योर सेल्फ और मेरे को आंसर। बेटा टाइम ज्यादा ले रही हो, मैं करा ही नहीं, अभी तक तो मीन वेरिएंस आ जाना चाहिए था। चलो ये मेरा सैंपल स्पेस बन रहा है, तीन हेड ये मैंने बना लिया है ट्री साइड में, ये आपका रफ वर्क में होना चाहिए, HTH, HTT, THH, T एच टी, टी टी एच, टी टी टी। एक चीज मेक श्योर, जब मेरे दो कॉइन्स टॉस होंगे, जब आपके एक कॉइन टॉस हो रहा है तो वैल्यू आ रही है 2, जब दो कॉइन टॉस हो रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 4, जब तीन कॉइन टॉस हो रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 8। इसका मतलब ये क्या है? 2 raised to the power n, n is the number of times a coin is tossed. तो अगर आपके 8 cases नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, मतलब n s इज इक्वल टू। अगर ये आप एस जो है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, आप ये ट्री भी बना दोगे यहाँ पे और एन एस 8 लिख दोगे, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। अब मुझे एक्स एक वेरिएबल चाहिए, लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स व्हेन ये सारा एक्स आ जाए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड।
है जी. सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ हेड, सॉरी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या क्या हो सकती है जब 3 कॉइन टॉस हुए, तो क्या हो सकता है? एक एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है जब कोई भी हेड नहीं है, एक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और मैक्सिमम कहां तक हो सकती है? 3 तक. सो ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज 0, इस केस में क्या होगा? 0 का मतलब है गेटिंग नो हेड. इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? एक ही केस आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपल टी, विच इज 1/8, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय 2. एक्स इज 1, 1 का मतलब है ये आप लिख रहे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 है, और एक हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? एक हेड की बात हो रही है, ये आ रहा है एक हेड, और कहाँ आ रहा है? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है. 3 केसेस हो गए, यानी कि HTT, THT और TTH, विच इज 3/8. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये कहाँ आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, मैंने लिख दिया है क्योंकि काफी सारे बच्चे, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो भी लाइन ड्रॉ करके आए, ये नहीं करना है. ठीक है, 2 हेड्स, 2 हेड्स का केस कहाँ कहाँ बनता है? ये 2 हेड है, ये 2 हेड है, और ये 2 हेड है, तो ये भी अगेन 3. HHT, HTH और THH, विच इज अगेन 3/8. अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ HHH, विच इज 1/8. अब मुझे टेबल बनानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई एंड पी आई. आप स्केल से बनाएंगे इसको प्रॉपरली, टेबल आपकी बहुत अच्छे से वेल मेड होनी चाहिए. 0, 1, 2 एंड 3. जब आपकी प्रोबेबिलिटी, जब आपका 0 हेड है, क्या आ रही थी? 1/8. जब 1 हेड है तो क्या आ रही थी? 3/8. 2 हेड है तो भी क्या आ रही है? 3/8, और 3 है तो भी क्या आ रही है? 1/8. देख लो, सम 1 आना चाहिए, 1, 3 और 3 6, और 1, 3 और 3 6 और 1 7, और ये वाला 1 8. ठीक है, अब निकालते हैं मीन. म्यू विच इज सिग्मा एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस ये दोनों, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8. मैं समझाने के लिए लिख रही हूं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक स्टेप बच जाएगा.
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4/8। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, बट कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज 3/8, प्लस 3 2 6/8, प्लस 3/8 कितना आ गया, 6 और 3 9 और 3 12, 12/8। 4 की टेबल अगर आती हो तो 4 2 4 3, आंसर इज 3/2। किसी बच्चे का मीन आया ये वाला? मेरे पास चैट में किसी का आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा है कोई पढ़ नहीं रहा है। अब वेरिएंस निकालना है, सो वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, विच इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3/8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/8। ये सारा माइनस म्यू का स्क्वायर विच इज 9/2। 0 का 0 हो गया 3/8 प्लस 4 3 12/8 प्लस 9/8 माइनस 9/4। एलसीएम ले लो 8, तो क्या आ जाएगा, 3 और 12 15, 15 प्लस 9 24 माइनस 9 2 18/8, सो आंसर विल बी 6/8, सो दैट विल बी 3/4। ये आ गया आपका वेरिएंस। वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिग्मा। सिग्मा क्या आ जाएगा, इसका रूट, वो आ जाएगा 3/4, तो सिग्मा विल बी √3/2। ये आपका, तो जब भी मेरे पास ऐसी अलग अलग चीजें आती हैं तो उसको ऐसे लिख के आपको बॉक्स में डाल देना है, सो दैट एनी वन हु इज चेकिंग योर पेपर तो उसको पता हो कि आपने सही आंसर निकाला है, ये सिग्मा की वैल्यू जैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन वंस इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज एक्स इज 1 और 0, इफ द डाई रिजल्ट्स इन एन इवन नंबर एंड 0 ऑफ द डाई रिजल्ट्स इन एन ऑड नंबर। सो ऐसे क्वेश्चंस, अब ये डाइस का क्वेश्चन आ गया, मतलब सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा, एस इसका क्या बनेगा, 0, सॉरी 0 तो आ ही नहीं सकता, एक डाई थ्रो हो रही है तो 1 2 3 4 5 6, यही आएगा सैंपल स्पेस, यानी कि एन एस मेरा क्या हो गया, 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मेरे पास सिर्फ दो ही केसेस है, इसने और कोई बात ही नहीं करी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन एक्स, या ऐसा कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर कब कब आ रहे हैं ये बताओ, इवन, ये इवन है, ये इवन है, ये मतलब 3/6 विच इज 1/2। नेक्स्ट आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड 1 3 5, ये तीनों ऑड नंबर, तो 3/6 विच इज 1/2, सो देयर फोर एक्स हैज द वैल्यू 0 और 1,
सो प्रोबेबिलिटी ये एक काम करो, ये लाइन यहां लिख सकते, लेट या लेट भी करने की जरूरत नहीं है, एक्स ऑलरेडी गिवन है आपको, बस अब सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दो और इसको लिख दो पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स इज इक्वल टू 1। डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स आई पी आई, एक बार 0 एक बार 1, ये आधा है ये भी आधा है। ठीक है जी, अब निकालते हैं म्यू। देयरफॉर मीन यानी के म्यू, म्यू क्या होगा, सिग्मा एक्स आई पी आई, एक तो 0 मल्टीप्लाई बाय, दोनों 1/2 ही थे तो मैं सीधा डायरेक्ट लिखती हूँ 1/2, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 1/2, आंसर क्या आ गया 1/2। वेरियंस सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर इज 0 ओनली एंड 1/2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओनली एंड 1/2, माइनस म्यू का स्क्वायर इज 1/4। सो ये क्या हो गया, 0 प्लस 1/2 विच इज 1/2 माइनस 1/4। 4 एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ जाएगा 2 माइनस 1, सो आंसर इज 1/2। बस दो ही चीजें निकालनी थी, मीन एंड वेरियंस। यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अब आपका आ रहा है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई, क्वेश्चन नंबर 2। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ किंग्स, ये इंपॉर्टेंट है आया हुआ क्वेश्चन नंबर 3।
अगर आप मेरे को होमवर्क भेजोगे, करोगे, डाउट्स पूछोगे, तभी डिस्कस हो सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा ना हो वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आपको आते ना हो। चलो इतने ही, 3 करोड़, बाकी बाद में देंगे। तो चलो बेटा अभी एक काम करते हैं, पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूं कितने बच्चे हैं क्लास में, उसके बाद आई गिव यू ब्रेक ऑफ सम टाइम। सेकेंड लेक्चर की भी अटेंडेंस आपको मिल जाएगी, 2 लेक्चर्स की मिलेगी। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेसिकली? कोई भी आपने कोई भी प्रोबेबिलिटी, आपने कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी मतलब कुछ भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं। या तो इवेंट वो सक्सेसफुल होगा या वो क्या होगा, फेलियर होगा, है ना? सक्सेस होगा या फेलियर होगा। बाइनोमियल का मतलब क्या समझते हो? बाइनोमियल मीन्स टू, इधर इट इज अ सक्सेस और इट इज अ फेलियर। तो मुझे क्या करना है कि बट वो जब वो सक्सेस और फेलियर होगा तो वो सक्सेस और फेलियर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, ठीक है? यानी कि जब भी मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो पहले, अभी तक हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते आ रहे थे, केसेस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 0, 1, 2 या 3, उससे ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन अगर उससे ज्यादा केसेस हो गए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो उससे ज्यादा केसेस अगर ऐसे होता है ना, तो हम किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, जो मैंने कल क्लास में कराया था। कॉम्बिनेशन बहुत काम आने वाला है आपको। कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं वो बता। अच्छा एक चीज और, अगर आपकी बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको होने के लिए आपकी 3 कंडीशंस एप्लीकेबल है। पहली चीज, जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है या जो भी आपने आपने इवेंट्स हुए हैं, वो एक्सपेरिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है। फाइनाइट
एंड फिक्स नंबर ऑफ टाइम, मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हो, यानी कि अनलिमिटेड चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो ट्रायल हुआ है, ईच ट्रायल मस्ट गिव ईदर अ सक्सेस और अ फेलियर। तो हर ट्रायल में या तो आपको सक्सेस मिलेगी या आप या आपका फेलियर हो। ठीक है, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम। ये तीन कंडीशन है जो ये बताती है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको अप्लाई करना। तो आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन विल टेल यू कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना। पहला जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो एक फाइनाइट और फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल्स और नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहे हैं, और हर ट्रायल पे या तो सक्सेस मिल रहा है या फेलियर मिल रहा है, और तीसरा हर सक्सेस पे प्रोबेबिलिटी क्या है सेम। क्वेश्चन से समझ में आएगा, आप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ये, तो ये सम और द अदर वे वैसा ही लग रहा है क्वेश्चन जैसा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का होता था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं क्योंकि इसके अंदर 4 बारी कॉइन को टॉस किया है और मुझे नंबर ऑफ हेड्स निकाले। अब 4 बारी के मैं केसेस निकालूंगी, 16 केसेस बनेंगे, 4 से ज्यादा बारी भी हो सकता है तो और ज्यादा केसेस बनते, तो मैं उन झंझटों में ना फंस के मैं कॉम्बिनेशंस का यूज करती हूँ। इस केस में हम केस लेते हैं, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल की जो है सेम होगी, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल की पहले निकाल। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वी हैव सैंपल स्पेसेस हेड और टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अहेड, क्या कह रहा है, दो केसेस होंगे, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, तो या तो एक हेड आएगा या नहीं आएगा।
इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2, 1 - 1/2 इज अगेन 1/2, ठीक है। अब हम एक्स लेते हैं, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ हेड्स। इन फोर ट्रायल्स अब एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो जिसमें मेरे को हेड मिलेंगे, तो चार जो जब हम ट्रायल लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। सो एक्स में सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी चार ट्रायल हैं और नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है, तो 0 हेड होगा या 1 हेड होगा या 2 हेड होगा या 3 होगा या 4, मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज 0, एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब टोटल 4 सैंपल स्पेस हैं, उसमें से मुझे 0 हेड लेने, कॉम्बिनेशन का यूज कर रही हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, तो पहले हम ये बात करते हैं, कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा सो यू विल मतलब ऐसा कुछ तीनों कंडीशंस जहां पे अप्लाई हो रही हैं, तो आपका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, अगर होगी तो उसकी कंडीशन होगी एन सी आर, एन सी आर कॉम्बिनेशन इंटू पी रेस टू द पावर आर इंटू क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर। अब यहां पे पी और क्यू क्या है, बेसिकली पी आपका पी आपका डिनोट कर रहा है कि जब आपके सक्सेस हुई, और क्यू आपका डिनोट कर रहा है जब आपका फेलियर हुआ। तो यहां पे पी है सक्सेस और क्यू है फेल, ठीक है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है, 4C0 एन सी आर और पी रेज टू द पावर, सक्सेस का रेट क्या था 1/2 और फेलियर भी 1/2, सो 1/2 की पावर आर थी। मैं यहां पे फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूं, एन सी आर पी रेस टू द पावर आर इंटू क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सो 1/2 रेस टू द पावर 0 इंटू 1/2 रेस टू द पावर 4 - 0 विच इज 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, एक कैलकुलेशन करके बता रही हूं, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आप खुद करोगे, कॉम्बिनेशंस मैं कल बता चुकी। सो 4C0, 4C0 का मतलब क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल,
नीचे वाले का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज 1, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल, यही होता था। इसका इनटू एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, 1/2 रेस टू द पावर 4। इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 4 फैक्टोरियल, 1 × 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेस टू द पावर 4, आंसर विल बी 1/16। अब जब आपकी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है तब क्या हो रहा है, 4c1 1/2 रेस टू द पावर आर, आर क्या है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आर क्या है ये वाली वैल्यू मतलब 1, इंटू क्यू क्या है, क्यू इज 1/2 एन माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/4। कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो। जब एक्स की वैल्यू 2 है तब क्या आ रहा है, 4c2 1/2 रेस टू द पावर 2 इंटू 1/2 4 माइनस 2, सो दिस विल बी 3/8। जब एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, ये आपको एक बार ही खुद ट्राई करना पड़ेगा, मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए हैं क्या आएंगे, एक सॉल्व करके बता दिए, कॉम्बिनेशंस मैं आपको कल सिखा चुकी, क्योंकि ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस अगर मैं कराने बैठी तो फिर आपका सिलेबस रह जाएगा बेटा। 1/4, अब जब एक्स की वैल्यू 4 आ रही है तो 4c4 1/2 रेस टू द पावर 4, 1/2 4 माइनस 4 दिस विल बी 1/16, ये आया। अब मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, जिसमें एक्स आएगा और जिसमें पी एक्स आएगा। चाहो तो इसको बॉक्स में लिख दो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4। 1 के नीचे 1 की वैल्यू जो 1/16 आया था, सॉरी 0 के नीचे 0 की वैल्यू, 1 के नीचे 1 की वैल्यू 1/4, 2 के नीचे 2 की वैल्यू 3/8, 3 के नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू और 4 के नीचे उसकी वैल्यू। इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ 6 इन 3 टॉस, इनफैक्ट टॉसेस ऑफ अ डाई। सो हम तीन डाई की टॉस में नहीं ले रहे, हम एक डाई का केस ले रहे। सो व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, अब देख सकते हो तीन टॉसेस आ गए, मतलब आपकी मुश्किलें बढ़ गई एक टॉस में, तो ठीक है ज्यादा आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो उस केस में हम बाइनोमियल लगाते। सो वी हैव सैंपल स्पेस क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिक्स, सिक्स चाहिए मुझे, इज 1/6. और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सिक्स, या तो सक्सेस या फेलियर, दो ही केसेस थे ना. सो नॉट गेटिंग अ सिक्स 1 - 1/6, और आप देख भी सकते हो 6 आया और नहीं आया तो 5/6, डायरेक्ट भी 5/6 लिख सकते. नेक्स्ट आ रहा है लेट एक्स, एक रैंडम वेरिएबल है, डिनोटिंग द नंबर ऑफ सिक्सेस. ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तीन बारी टॉस हुआ है, एक बारी आ सकता है, एक एक भी बारी नहीं आएगा, एक बारी आएगा, दूसरी बारी आएगा, तीन मैक्सिमम, तीन.